हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल द्वारा दी जाती है आपको डेली अलवर अनाज मंडी भाव की जानकारी, और दोस्तों लिए चलते हैं दोस्तों आज के अलवर अनाज मंडी भाव की तरफ। दोस्तों आज है 16/10/2023 और दोस्तों डेली अलवर अनाज मंडी भाव के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। दोस्तों चलते हैं आज के अलवर अनाज मंडी भाव की तरफ। दोस्तों चाहे आज के अनाज मंडी भाव हो, चाहे अलवर प्याज मंडी या प्याज मंडी भाव हो, दोस्तों दोनों तरफ से किसानों के लिए अब राहत की खबर निकल के आ रही है। दोनों तरफ तेजी का रुख रहा। और दोस्तों सबसे पहले चलेंगे अब सरसों की तरफ। तो दोस्तों सरसों का भाव 5700 रुपये प्रति क्विंटल हो चुका है 42 कंडीशन का, जो कि अलवर मंडी का रेट है। तो कुल मिलाकर सरसों के भाव में तेजी रही, इसकी आवक लगभग 6000 कट्टों के करीब देखी गई। तो दोस्तों आज लगभग सभी जिन्सों के भाव में तेजी है। तो इसके बाद चलते हैं गेहूँ का भाव। तो गेहूं का भाव दोस्तों 2470 रुपये प्रति क्विंटल, तो लगभग 20-25 रुपये प्रति क्विंटल इसमें तेजी देखी गई। अब दोस्तों चलते हैं नई जिन्सों की तरफ। तो नई जिन्स इस समय आ रही अलवर मंडी में बाजरा और कपास। तो दोस्तों दोनों के भाव में भी हल्की पुल्की तेजी देखी गई। दोस्तों बाजरे का भाव 2000 रुपये से लेकर और 2250 रुपये प्रति क्विंटल रहा, या अमूमन भाव मान ले 1800 रुपये से लेकर और 2250 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में रहा। और दोस्तों बाजरे की आवक लगभग 7-8000 कट्टों के करीब देखी गई। इसके बाद दोस्तों चलते हैं कपास के भाव की तरफ। तो दोस्तों कपास का भाव रहा 6800 रुपये से लेके और 7100 रुपये प्रति क्विंटल। तो दोस्तों कपास के भाव में भी तेजी का रुख रहा और लगभग 15 से लेके और 2000 पल्ली के करीब आवक देखी गई। इसके बाद दोस्तों चलते हैं जो हमारे भाव स्थिर चल रहे हैं और जिनकी आवक अलवर मंडी में नहीं के बराबर होती है दोस्तों, वो भाव हैं ग्वार और चना। दोस्तों ग्वार का भाव स्थिर बना हुआ है 5300 रुपये प्रति क्विंटल और दोस्तों चने का भाव 6000 रुपये प्रति क्विंटल। तो दोस्तों ये रहे आज की अलवर अनाज मंडी भाव। धन्यवाद।